और न्यूज़ में अभी लोकल न्यूज़ में बोल सकते हो या कोई व्लॉग पेज पे, मतलब कि अभी थोड़ा सा इंटेंस होने वाला है आज खार्किव में। सब बोल रहे हैं कि आज सेंटर में हो सकता है कि 1-2 बजे करीब यहाँ पे उनका गिरने का आवाज़ आएगा, कुछ अटैक का ऐसा बोल रहे हैं। पर देखते हैं आज सेंटर में कुछ ऐसा होता है या नहीं, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है सेंटर, मुश्किल से आपको 5 मिनट का है बाई कार। तो होप करता है ऐसा कुछ नहीं हो। ओ भाई साहब, कुछ ज़्यादा हो रहा है ये तो। अब ये खार्किव का ये बॉर्डर के पास से जो एरिया है, आज का दिन बहुत ही थोड़ा सा बोल सकते हो, हाँ आज लगा कि हाँ वार हो रहा है यहाँ पे खार्की में, क्योंकि आज कम से कम बहुत ज़्यादा यहाँ पे बम गिरा। मतलब कि बम गिरा मतलब बोल सकते हो कि आप बोल सकते हैं कि खार्की से मतलब कि जो मेन सिटी है, मेन सिटी से ज़्यादा दूर नहीं था, कम से कम 5-10 किलोमीटर ज़्यादा होगा, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा बम धमाका हुआ आज। और आपको मैं वीडियो लगाऊंगा, देखें आप, बहुत सारा यहाँ वीडियो है जहाँ पे रशियन को आज मतलब कि आर्मी बहुत ज़्यादा मरे, और कितना तो उनको कैप्टिव बना रखा है यूक्रेन आर्मी ने। तो आज मेरे खिड़की से जो आप लोग दिखाता हूँ रोड, वहाँ पे भी एक टैंक गुजरा, तो मुझे एक सेकेंड के तो ऐसा लगा कि हाँ ये रशिया का ही टैंक है। और उस टाइम में जो मेरा हालत हुआ मतलब कि परेशान था मैं उस टाइम, फिर पता किया कि मालूम चला कि ये यूक्रेनियन टैंक है, फिर जाकर रिलीफ हुआ। मुझे जहाँ तक तो लगता है कि ज़्यादातर अभी जो रात को जो समय है, रात को समय में क्या हुआ कि जो रशियन जो अंदर आ चुके हैं यूक्रेन का, उनको तो कोई आइडिया है ही नहीं कि कहाँ से एंट्री करना है सिटी में, कुछ उनको रोड का मालूम ही नहीं है मैप का। तो अभी जो रात में जो है यूक्रेनियन आर्मी को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलता है। तो अभी क्या है कि रात में कर्फ्यू हो जाता है, 6 बजे के बाद किसी को बाहर नहीं निकल रहा है, और इसके बाद जो आर्मी, उसके बाद पूरा यूक्रेन आर्मी खार्की का जो भी एरिया है जो दूर दूर तक सब रात को छान मारती है, और जितना मिलता है रशियन उनको फिर काम तमाम होता है उनका। तो रात के टाइम बहुत ही ख़राब है रशियन आर्मी के लिए। और सबसे पहली बात है कि रशियन आर्मी मतलब कि उनको जितना मोस्टली जो आर्मी है उसको पता ही नहीं है वो लड़ाई क्यों कर रहे यूक्रेन से, उनको कुछ आइडिया ही नहीं है। टफ होने वाला है रात का, आज रात थोड़ा बहुत ही टफ होगा। तो ये था आपका तीसरा दिन का वार, और देखते हैं कल क्या होता है। और फिर आज दिन भर कुछ ज़्यादा आदमी खाना खाए नहीं, और अभी बनाते हैं खाना उना। फिर वहाँ बहुत ज़्यादा ही जोर से फाइट हुआ आज, और 1 बज रहा है, आप देख सकते हो उतना दूर आग लगी हुई है। सेंटर में आने विश कर रहे हैं, देखते हैं क्या होता है।